हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTT एंड TET's प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं CTT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। यह एग्ज़ाम फरवरी 2014 में आयोजित हुआ था। इसमें आज मैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करूँगी। पिछले वीडियो में मैं बाल विकास के प्रश्नों को हल की थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल का आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैम आप डायरेक्ट आंसर उसी समय नहीं बताइए ताकि हम लोग भी सोच पाए, तो इसलिए आप लोग सोचिए, तब तक मैं ऑप्शन देखती हूँ। ऑप्शन एक है 2 और 4, दूसरा है 1 और 4, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा है 1 और 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1, 3 और 4। यानी हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। और चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन ए है, ए सी और डी। 2 है, ए बी और डी। 3 है, बी सी और डी। और 4 है, ए बी और सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बी और सी। ए यानी इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल होता है। और मधुबनी या मिथिला पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है। इस चित्रों में जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई जाती है। और मधुबनी उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। पहला है शक्कर खोरा, दूसरा है कलचिरी, तीसरा है कौवा और चौथा है पाखता। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, कौवा। शक्कर खोरा पर्स के आकार के पेड़ की पतली शाखाओं में निलंबित घोंसला बनाते हैं। कलचिरी जो होती है सो दीवारों के छेद में, पेड़ के खोल में, जबकि पाखता निम्न ऊंचाई वाले पेड़ पर घोंसला बनाती है। कौवा जो होता है वही पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। आगे चलते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गाँव निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की पोचमपल्ली साड़ियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है और यह कपड़े अपनी रंगाई की एकत शैली एवं ज्यामितीय प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे, रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ टहनियों से लटकती है। सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इससे पानी पीते हैं। यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन है, ए बी और डी। दूसरा है ए सी और डी, तीसरा है बी सी और डी और चौथा है ए बी और सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ए सी और डी। रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है जिसका वानस्पतिक नाम जो होता है एकेसिया कोरियासिया है। ठीक है, एकेसिया कोरियासिया
यह शुष्क प्रदेश में पाया जाता है तथा जल की प्राप्ति के लिए इसकी जड़ें गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, दुबी है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सी है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, डी है अबू धाबी की मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं। ऑप्शन एक है ए बी और सी, दो है सी ए सी और डी, तीन है बी सी और डी, और चार है ए सी और बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन चार ए डी और बी। संयुक्त राज्य अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है, इसकी राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम है, साथ ही यह एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है, शुष्क प्रदेश में स्थित होने के कारण जल अमूल्य माना जाता है, दिनार इराक की मुद्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए है, पहला है बैंगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा है काला और सफ़ेद, चौथा है लाल और संतरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन तीन काला और सफ़ेद। कुछ जानवर जो कि रात में जागते हैं उसको क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं, जैसे उल्लू हो गया, रैकून हो गया, तो ये लोग दिन के समय में सक्रिय जानवर जो होते हैं वो विभिन्न रंगों को पहचान कर सकते हैं, दिन में जागने वाले जानवर, लेकिन निशाचर जो होते हैं रात में जागने वाले केवल काला व सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए चित्र एक 24 घंटे की घड़ी दिखाया गया है तथा चित्र दो तथा चित्र तीन में दो जानवर एक सरवाई के सोने के समय छायांकित भाग को दिखाया गया है, तो एक तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन तो इसका सेकेंड पेज पे था पर उसका मैं फोटो नहीं क्लिक की हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन समाप्त करते हैं। चाहे एक काम करती हूँ, मैं इसका आंसर बता देती हूँ बुक में, इससे इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर मैं बता देती हूँ, और आगे जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, जैसे इसके तीन ऑप्शन है, एक 20 घंटे सोता है जबकि वाई जो है वो 18 घंटे सोता है, इसके बाद है एक 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है, तीसरा है एक 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, और चौथा है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है। तो इसका आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, आगे की वीडियोस में मैं और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगी जो आपके CET एग्जाम साथ में किसी भी TET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।